So, today's topic is making and maintenance of lawns. Firstly, I start with the introduction. What is lawn? Lawn is the heart of a garden and holds pivotal importance in adding beauty to the garden. एज वी ऑल नो कि जो गार्ड जो लॉन है वो गार्डन का उसको हर्ट माना जाता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि आपके गार्डन में एक तरह से ब्यूटी को ऐड कर देता है ठीक है जो लॉन एरिया है वो आपके गार्डन की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है सो लॉन सर्व एज अ बेस फॉर अ फ्लावर बेड बॉर्डर स्ट्रॉबेरी और अ स्पेसिमेंट ट्री तो लॉन एक तरह से बेस मतलब माना जाता है किसके लिए फ्लावर बेड्स ठीक है फ्लावर बेड्स को लगाने के लिए फ्लावर्स को लगाने के लिए बॉर्डर कोई भी लगाने के लिए ठीक है बॉर्डर पे कुछ भी लगाने के लिए कोई डेकोरेटिव प्लांट लगाने के लिए ट्रीज लगाने के लिए तो लॉन्स को एक तरह से क्या माना गया है बेस माना गया है ठीक है तो बिसाइड्स हैविंग मॉनिटरी वैल्यू लॉन पॉजेस एस्थेटिक वैल्यू ऑफ़ रिड्यूसिंग टेंशन ऑफ द माइंड आफ्टर अ डेज हार्डवर्क तो सारी वैल्यूज़ को एक तरफ़ छोड़ते हुए जो लॉन्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू है क्यों एस्थेटिक वैल्यू है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए टेंशन फ्री करने के लिए आप लॉन में बैठ सकते हो ठीक है वहाँ उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो जो कि आपके दिन भर की जो थकान है दिन भर का जो आपका हार्ड वर्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है ठीक so, so, है सो द ब्यूटी ऑफ एनी लैंडस्केप इज ड्यू टू प्रीमरली टू द लॉन द लॉन इज फॉर ग्राउंड ऑफ द हाउस एंड सेटिंग फॉर आर्किटेक्चर एंड गार्डन फीचर्स ठीक है सो जो ब्यूटी है लैंडस्केप की ये सिर्फ किसकी वजह से है लॉन की वजह से ठीक है तो लैंडस्केप में जो ब्यूटी वो कौन ऐड कर रहा है लॉन ऐड कर रहा है ठीक है लॉन क्या है एक तरह से आप बोल सकते हो कि फॉरग्राउंड है किसी भी लैंडस्केप का किसी भी मतलब हाउस का फॉरग्राउंड है जिसके कारण हर लैंडस्केप पिक्चर ये मतलब गार्डन फीचर्स जो आपके आर्किटेक्चरल हैं ठीक है थीके? आर्किटेक्ट को देखते हुए उसकी सेटिंग को देखते हुए ही जो लॉन है उसको क्या किया जाता है आर्किटेक्ट किया जाता है या फिर बोल सकते हो कि डिज़ाइन किया जाता है कोई भी गार्डन इनकम्प्लीट है पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है विदाउट लॉन तो लॉन इन द एंड इज द हार्ट ऑफ योर गार्डन सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉन लॉन इज द बेसिक फीचर ऑफ द गार्डन लॉन कैन बी डिफाइंड एज द ग्रीन कारपेट ऑफ द लैंडस्केप लॉन एक बेसिक फीचर है गार्डन का लॉन को डिफाइन कर सकते हो कि ग्रीन कारपेट है किसी भी लैंडस्केप में लॉन क्या है एक ग्रीन कारपेट है लॉन क्या लॉन आपको प्रोवाइड करता है ग्राउंड कवर ऑफ ग्रासेस ठीक है तो परफेक्ट सेटिंग वर्क हम कर सकते हैं इसमें फ्लॉर वेड की बॉर्डर्स की श्राबेरी की एंड एज वेल एज पेसिमिन ट्रीज की और श्रब्स की सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस बाय लॉन्स आर सो इम्पॉर्टेंट सो लॉन्स एज यू ऑल नो के लॉन्स का कॉमन फीचर क्या है गार्डन्स पब्लिक लैंड स्केप्स एंड द पार्क्स तो लैंड क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है ब्यूटी ऐड कर देते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी पब्लिक पार्क में किसी भी गार्डन में और देख मतलब एक तरह से ब्यूटी को ही ऐड करते हैं किसी गार्डन में तो उनके ये क्या है एस्थेटिक जो प्लेजर है उसको भी क्या करते हैं लॉन्स क्रिएट करते हैं तो लॉन्स एक तरह से बोल सकते हो आर द सरफेस फॉर द चिल्ड्रन वेयर दे कैन प्ले ऑन एंड प्रोवाइड द कूल कम्फर्ट ऑन द हॉट डेज तो इन दिनों में समर डेज में जो चिल्ड्रन है वो इंजॉय कर सकते हैं आपको पता ही है गार्डन में या पार्क्स में जाके वो इंजॉय करते हैं गर्मी के दिनों में और एक तरह से ये क्या है कूल cool कंफर्ट है बड़े ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग एरिया मतलब बच्चों के खेलने के लिए और नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड एक्सीलेंट कवर टू हेल्प कंट्रोल सॉइल इरोजन ठीक है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में वेरी हेल्पफुल है क्योंकि वो क्या है ग्रासेस का टर्फ है ग्रासेस का कवर है जो कि आपके मिट्टी को बाइंड करके रखता है होल्ड करके रखता है जिसके साथ जो सॉइल इरोजन है वो भी आपके सॉइल इरोजन को भी होने से कंट्रोल करता है सो so, लॉन को एक तरह से हम स्पोर्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कौन कौन सी स्पोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल टेनिस एंड हॉकी नेक्स्ट इज दिलेक्शन ऑफ साइट फॉर लॉन अब किसी भी एरिया में आपने लॉन को लगाना है तो सबसे पहले आपको साइट की सिलेक्शन करनी होगी ठीक है कैसी साइट चाहिए ठीक है कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है ग्राउंड की ये बहुत ही असेंशियल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लॉन को लगाने के लिए या फिर बनाने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज साइट व्हाट इज़ साइट साइट कैसी होनी चाहिए कोई भी जगह यहाँ पे आपने लॉन को एस्टेब्लिश करना है वो कैसी होनी चाहिए तो साइड शुड भी रिसीव फुल सनशाइन ठीक है प्रॉपर सनशाइन रिसीव होती हो वहाँ पे प्रॉपर सूरज की किरणें प्रॉपर धूप आए वहाँ पे द बेस्ट एक्सपेक्ट इज साउथर्नली फॉलो बाय साउथ ईस्टर्न एंड द साउथ वेस्टर्न ऑफ द बिल्डिंग मतलब जो बेस्ट एरिया माना गया है लॉन को लगाने के लिए तो वो क्या है किसी भी बिल्डिंग की साउथ ईस्टर्न और देन द जो साउथ बिल्डिंग है उसको वो सॉरी साउथ वेस्टर्न है उसको फॉलो करें कोई भी बड़े बड़े ज़्यादा ट्रीज नहीं होने चाहिए उस साइड पे ठीक है ग्रास फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है अगर बड़े बड़े ट्रीज हो क्योंकि प्रॉपर जो सोलर रेडिएशन है ठीक है वो तो सारे ट्रीज ही अब्सॉर्ब कर, कर जाएंगे ठीक है ग्रॉस को ग्रो करने के लिए प्रॉपर वो टेम्परेचर वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाएगा सो दैट्स वाई वहाँ पे बड़े बड़े ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होने चाहिए ड्राइड लीफ फॉल जो आपके पत्ते सूख के गिर जाते हैं पता ही है कि वो आपके लॉन एरिए को बड़ा ज़्यादा गंदा कर देते हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए ठीक है प्रॉपर आपने वहाँ पे ड्रेन्स बनाइए बनानी होनी चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वहाँ से मतलब रिमूव हो जाए उस उसमें से तो सा, जो सबसे पहले तो लॉन साइट है उसमें बहुत ही जो टॉप सॉयल है वो अच्छी होनी चाहिए बिकॉज जो अच्छी क्वालिटी वाली टॉप सॉयल है वो हर लॉन की क्या होती है फाउंडेशन होती है अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो आपका लॉन अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा सो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉयल सॉयल कैसी होनी चाहिए किसी भी लॉन एरिया में जब आपने लॉन को एस्टैब्लिश करना है तो वहाँ की सॉइल कैसी होनी चाहिए मोस्टली लोमी सॉयल विच इज कंटेन पी एच टू सिक्स ठीक है एसिडिटी अगर हो किसी भी सॉइल कोई एसिडिक सॉयल है उसको आप एमलीरोटेड कर सकते हो मतलब उसको आप ठीक कर सकते हो कैसे ठीक कर सकते हो बाय अप्लाइंग लाइन जिसको हम चूना बोलते हैं चूना डाल के कितने अमाउंट में ज़ीरो पॉइंट फाइव के जी पर स्कीोर मीटर एरिया में आप लाइम स्टोन को ऐड करके अप्लाई करके जो आपकी एसिडिक सॉयल है उसको आप ठीक कर सकते हैं ठीक है so, सो जो सॉयल है वो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीमीटर स्कीोर सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए किसी भी लॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द डिगिंग सो द लैंड इज़ प्रपेयरड बाई द ट्रेंचिंग मेथड हम ट्रेंचिज बना के है ना लैंड को प्रपेयर करते हैं जो ट्रेंच होनी चाहिए वो सिक्सटी सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए एंड फोर्टी फाइव सेंटीमीटर वाइड आपको डग करनी है ठीक है सो so, आपको जो सॉयल है आउटसाइड द लॉन एरिया में उसको भी रखना है तो जो बड़े बड़े क्लॉड्स होंगे पत्थर होंगे उनको आपने पल्वराइज कर देना है या फिर उनको ब्रोक कर देना है ताकि आपकी जो सॉयल है वो प्रॉपर फाइन हो सके किसी भी तरह का कोई डेब्रेस किसी भी तरह का कोई क्लॉड आपकी सॉइल में ना हो स्टोन्स को ग्रास रूट्स को ठीक है प्रॉपरली आपने क्या कर देना है रिमूव कर देना है सो नेक्स्ट इज मन्यूरिंग अब दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपने सबसे पहले जब आपने सॉइल प्रिपेयर कर ली है लॉन बनाने के लिए तो उसमें आप एफ वाई एम दैट इज़ फार्म यार्ड मनोर को ऐड करना है कितनी अमाउंट में ऐड करना है फाइव के जी पर स्क्वेयर मीटर एरिया में आपने क्या है फार्म यार्ड मन्योर को मतलब ऐड करना है और दूसरा क्या है कि उसके बाद हैवी वाटरिंग ठीक है मतलब अच्छी इरिगेशन प्रॉपर पानी दे देना है ताकि आपकी जो सॉयल है प्रॉपर सेटल हो सके और उसकी क्या है प्रॉपर लेवलिंग हो सके सो नेक्स्ट इज द ग्रासेस कौन सी ग्रासेस को आप अपने लॉन के लिए मतलब यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही अच्छे हैं सो so इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना ही होगा आपने डूब ग्रास जिसको हम साइनाडोन डेक्टाइलोन भी बोलते हैं मोस्ट कॉमनली यूज ग्रास है इंडिया में सो इट ट्राइब्स वेल अंडर हॉट सनी वेदर मतलब जो हॉट uh, है समर डेज बोल सकते हो तो उस वेदर में भी वे ये क्या है विद स्टैंड कर जाता है नेक्स्ट इज द कैंटिकी ब्लू ग्रास पोवा पैराटेस भी बोलते हैं इसको वेस्ट मोस्टली दिस ग्रास इज यूज इन वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में इस ग्रास को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज़ द वुड मेडो ग्रास पोआ नेमोरेसिस ये बहुत ही अच्छा है माना गया है क्योंकि ये जो ट्रीज की शेड्स हैं मतलब ट्रीज हैं लगे हुए आपके गार्डन में ठीक है या लॉन एरिया में तो so, उस एरिया में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है अंडर द शेड ऑफ़ द ट्रीज सो अदर कौन कौन से ग्रासेस हैं जिनको आप मोस्टली हिल स्टेशन में या फिर हिली एरियाज़ के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो वो है एग्रोटिस टैनस एंड फेस्टुका रुबरा सो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ ग्रासेस विच यू हैव यूज इन योर लॉन एरिया सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉन अब लॉन को आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो आपने साइड की सिलेक्शन कर ली सॉइल सॉयल कर ली उसके बाद ट्रेंच बना ली आपने मन्यूरिंग कर दी ग्रासेस को सिलेक्ट कर लिया ठीक है कौन कौन से ग्रासेस आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एरिया अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेदर सो नेक्स्ट इज स्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉन अब लॉन को एस्टेब्लिश कैसे करना है ठीक है हम चार मेथड बेसिकली चार मेथड्स के जरिए लॉन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय द सीड बाय द डिबलिंग मेथड, बाय टर्फिंग एंड बाय द टर्फ प्लास्टरिंग तो इन चारों मेथड्स के जरिए हम क्या है लॉन्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं सो फर्स्ट वन इज द बाय सीड सीड पता ही है कि सिंपल आप सीड को क्या कर दो ब्रॉडकास्ट कर दो तो उससे क्या है कि आपका जो लॉन है ग्रास है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा सो मोस्ट पॉपुलर एंड सूटेबल ग्रास इज द डूब ग्रास दैट इज साइनाड डेक्टाइलिन तो हम इसके सीड्स को जस्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ठीक है ऑन दी ऑनसेट ऑफ द मॉनसून कितने के जी ट्वेल्व टू फाइव फिफ्टीन के जी पर हेक्टेयर एरिया में जस्ट हम इसके सीड्स की ब्रोडकास्टिंग कर देते हैं और उसके बाद सोइंग के बाद लाइट इरीगेशन प्रोवाइड कर देंगे इरीगेशन uh, के बाद हम सॉइल को थोड़ा रोल कर देंगे रोलर के साथ और आपके जो सीड्स हैं विद इन थ्री टू फाइव डेज जर्म सॉरी फाइव वीक्स में जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे सो फर्स्ट मैथड इज बाई सीड ये आप जस्ट कर सकते हो बाय द ब्रॉडकास्टिंग मैथड नेक्स्ट इज डिबलिंग इट इज़ द बेस्ट मैथड फॉर द लॉन एस्टेब्लिशमेंट इसमें करना क्या है कि जो रूटेड और अनरूटेड ग्रास कटिंग्स हैं उनको आपने प्लांट करना है ठीक है प्लांट की कटिंग्स ग्रास की कटिंग्स को आपने प्लांट करना है स्लाइटली जो आपकी ग्राउंड है उसमें सेवन टू टेन सेंटीमीटर अपार्ट क्स जो ग्रास है वो रेडी हो जाएगा फॉर द फर्स्ट कटिंग सो दैट इज डिबलिंग जिसमें आप क्या करोगे कटिंग्स को लगाओगे थर्ड वन इज बाय टर्फिंग टर्फिंग इज बेस्ट ऑफ द एंड द क्विकस्ट मैथड फॉर द लॉन्ग प्रेपरेशन एंड इसमें करोगे क्या आप ग्रासीज को कट करोगे इन टू फोर टू सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज में मतलब उनकी स्टेम्स के साथ या रूट्स के साथ आप उनको कट कर लोगे और उन्हीं को फिर आप क्या करोगे ग्रोइंग परपज के लिए यूज करोगे सो so, टर्फ एक तरह से पीस ऑफ अर्थ है जिसमें मतलब आ, हम क्या है अबाउट फाइव सेंटीमीटर थिकनेस विद ग्रास थिकली ग्रोन ओवर इट मतलब उसके ऊपर हम क्या है पूरी ग्रास को क्या करते हैं ग्रो करते हैं एक तरह से परत बोल सकते हो आप ग्रास की परत ग्रास की लेयर ठीक है सो बीसीज को हम स्मॉल स्केयर्स में रोल्स में ठीक है क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे और स्मॉल पीसीस को ग्रास को मतलब यूनिफॉर्मली कट करके थिकली उनको सेलेक्ट करेंगे और उस प्लेस में लगाएंगे जो कि प्रॉपरली आपकी यहाँ पे आपने लॉन एरिया छोड़ा होगा लॉन के लिए सॉयल को प्रिपेयर किया होगा जो कि टोटली वीड फ्री होगी ठीक है और किसी भी तरह का कोई ग्रास उसमें नहीं होगा तो उस सॉयल में आप क्या है उनको क्लोजली क्लोजली लगाना स्टार्ट कर दोगे तो so, ग्रासेस क्या है विद इन फिफ्टीन डेज में सेट हो जाएंगे और विद इन थ्री मंथ्स वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे सो नेक्स्ट मेथड इज़ द बाय टफ टफ प्लास्टरिंग तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ लॉन प्रेपरेशन ऑन ड्यू टू लेस कंजम्पशन टाइम की जो कंजम्पशन है टाइम भी इसमें बड़ा कम लगता है तो ये इसको भी बेस्ट मेथड माना गया है किसी भी लॉन को एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक तरह का पेस्ट है प्लास्टरिंग से ही पता लगता है कि एक तरह का पेस्ट है जिसको आपने गार्डन सॉइल में फ्रेश काउडंग में और वाटर में मिक्स करके जस्ट प्रिपेयर करना है ठीक है ग्रासेस की कटिंग्स लोगे आप ठीक है ग्रासेस की कटिंग्स गार्डन सॉयल फ्रेश काओ को सॉरी फ्रेश काओ डंग को एंड वाटर को तीनों चीजों को अच्छे से आप मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना लोगे और उसमें आप क्या करोगे चॉप्ड अप फ्रेश रूट्स जो आपकी फ्रेश रूट्स हैं ग्रास की उनको आप क्या करोगे चॉप करके मतलब और जस्ट राइबोजोम हो सकती हैं स्टैम्प हो सकती हैं ठीक है ठीके? और आपकी एज वेल एज रूट्स हो सकती हैं उनको आपने प्रॉपरली पेस्ट के साथ मिक्स कर देना है और अब उस पेस्ट को आपने पूरे अपने ग्राउंड सरफेस में क्या कर देना है स्प्रेड कर देना है आफ्टर मॉइस्टनिंग द सॉइल सॉयल को अच्छे से मतलब वाटर दे के इरीगेशन प्रोवाइड करके उस प्लेट से आपने क्या है अपने ग्राउंड को अपने लॉन एरिया को प्लास्टर कर देना है तो जो आपका लॉन होगा वो विद इन फिफ्टीन टू थर्टी डे थर्टी डेज के बीच में इस मेथड के जरिए एस्टेब्लिश हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ द लॉन्स And tomorrow we will discuss about the maintenance of the lawns.